तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम .NET कोर में मेल सेंड करने की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने .NET कोर में आइडेंटिटी का यूज करके एक वेब एप्लीकेशन बनाया था, जिसमें लॉगिन, लॉगआउट और रिमेम्बर मी की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया था। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं ताकि और भी आपको बेटर समझ में आए। तो मेल सेंड करने की हमें नीड क्यों होती है? जैसे कि हम फॉरगेट यूजर नेम करते हैं, फॉरगेट पासवर्ड करते हैं, उसके बाद जब फर्स्ट टाइम यूजर रजिस्टर होता है तो उस टाइम हम यूजर को मैसेज भेजना चाहते हैं, ईमेल भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है? मेल सेंड की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक नीड होगी एक्टिव ईमेल अकाउंट, जिससे कि हमारा मेल जाएगा। और उसके लिए हमें जीमेल को लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद हम क्या करेंगे, वहां से एक हमें सीक्रेट की मिलेगा जीमेल का, और उसे हम अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर देंगे। जब भी हम मेल सेंड करेंगे तो हमारा मेल और सीक्रेट की, दो चीज की नीड पड़ती है हमेशा। ठीक, तो सीक्रेट की हमें कैसे मिलेगा? ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं जीमेल पे, अपने जीमेल को लॉगिन करते हैं, यहाँ से साइन इन कर लेते हैं, और कोई भी मेल आईडी होनी चाहिए एक्टिव। ठीक, तो हम यहाँ पे मेल आईडी हम टाइप कर देते हैं, उसके बाद पासवर्ड डाल के हम इसको लॉगिन करेंगे। ये हमारा जीमेल लॉगिन हो चुका है। ठीक, तो उसके बाद हम कहाँ इस लोगो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट पर जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे हमें सिक्योरिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा, यानी सिक्योरिटी का मेनू दिख रहा होगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। और देखिए, एपीआई की हमें तब मिलेगी जब हमारा टू वे ऑथेंटिकेशन इनेबल होगा, यानी टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल होगा। अभी हमारे पास क्या है, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं और इनेबल करते हैं। ठीक, गेट स्टार्टेड। अब यहाँ से हमसे मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं जो मेल आईडी से लिंक है। अब मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया है, उस ओटीपी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो चुका है। तो व्हाट फोन नंबर डू यू वांट टू यूज, टेक्स्ट मैसेज, इंटर द कोड, फिर ओटीपी आया, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, टर्न ऑन, यानी टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर देंगे, आज नहीं, यहाँ से टर्न ऑन कर। अब देखिए, टू स्टेप वेरिफिकेशन तो हमारा इनेबल हो चुका है, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, वो सीक्रेट की चाहिए, यानी एप पासवर्ड चाहिए, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, मेल सेंड में वो हमारा सीक्रेट की को यूज करेंगे। ठीक है, तो इस टू स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैनेज सेटिंग पे चलते हैं। अब देखिए, उसके बाद हम जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पे एक एप पासवर्ड का ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कुछ भी अपने ऐप का नाम दे देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ भी दे देते हैं, जो भी हमारे एप्लीकेशन का नाम है। तो और वेब, ये जरूरी नहीं है कि हम वेब एप्लीकेशन का नाम ही देंगे, हम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये क्या करेगा, एक सीक्रेट पासवर्ड जनरेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट। अब देखिए, ये जो हमारा जनरेट एप पासवर्ड है, इसको हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी। ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे ये डन हो गया। ठीक, अब ठीक है, ये मिल गया, बस इतना ही हमारा काम था जीमेल का। ठीक है, हमें जीमेल आईडी पता ही है और हमें सीक्रेट पासवर्ड मिल ही गया। ठीक, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं और इसको एप सेटिंग डॉट जेसन में क्या करेंगे, इसको रजिस्टर कर लेंगे। देखिए, एप सेटिंग डॉट जेसन में हम रजिस्टर क्यों करेंगे, देखिए इसको हम हार्ड कोडेड भी लिख सकते हैं या कंट्रोलर पे लिख सकते हैं, रिपोजिटरी बना के जहां भी मन करे हम लिख सकते हैं हार्ड कोडेड, जहां पे हम ईमेल की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन एप सेटिंग डॉट जेसन में हम इसलिए करेंगे, बाय चांस हमें यदि हम उसको एप सेटिंग डॉट जेसन में रजिस्टर कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, इन फ्यूचर जब भी हमें चेंज करना होगा तो हमें केवल और केवल एप सेटिंग में जाकर उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, वो हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसीलिए जो भी हम फंक्शनैलिटी जिसका भी हमें यूज बार बार करना होता है तो हम क्या करते हैं, एप सेटिंग डॉट जेसन में रजिस्टर कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम एक बना लेंगे की। ठीक है, एप सेटिंग, और इसके अंदर देखिए इस तरह, ठीक, हायरार्की बनाएंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पास जो सीक्रेट की था तो उसको भी हम दे देते हैं सीक्रेट की, पास कोड, कुछ भी हम इसका नाम रख सकते। ठीक है, और जो भी हमने कॉपी किया था उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्पेस नहीं रहना चाहिए, इसका हम यूज करेंगे आगे। ठीक, अब देखिए सीक्रेट की तो हो गया, अब उसके बाद कुछ और ईमेल की सेटिंग होती है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, उसको भी हम एक हायरार्की बना लेते हैं सेटिंग्स। ठीक है, और उसको अब यहाँ पे उसको हम ऐसे लिख देते हैं फ्रॉम, ठीक है, जिसके द्वारा मेल जाएगा। ठीक है, उसका मेल एड्रेस, तो जो हमारा फ्रॉम वाला मेल था तो ये मेल है फ्रॉम, जिसके द्वारा मेल जाएगा। उसके बाद आता है एसएमटीपी सर्वर, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आता है एसएमटीपी डॉट सर्विस प्रोवाइडर का नाम, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मेल सेंड करते हैं। तो यहाँ पे हम मेल किसके थ्रू सेंड कर रहे हैं, जीमेल के थ्रू, तो यहाँ पे हमारा सर्विस प्रोवाइडर कौन है, जीमेल।
.com, ठीक है। उसके बाद पोर्ट, पोर्ट हम यूज कर लेंगे 587, ये इंटीजर है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 587 5 पोर्ट, ठीक। नहीं तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट दे दे देंगे इनेबल SSL, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम दे देते हैं ट्रू। अब देखिए इतना काम हमने कर लिया, एप सेटिंग डॉट जेसन में हमने सारी वैल्यू को रजिस्टर कर लिया। अब देखिए इन सारी वैल्यू को हम क्या करते हैं, गेट करने के लिए एक हम मॉडल बना लेते हैं, ठीक है। मॉडल हम बना लेंगे तो हमें इस वैल्यू गेट करना इजी हो जाएगा। मॉडल वाले फोल्डर में चलते हैं और यहाँ पे हम एक बना लेते हैं ऐड, और फोल्डर बना लेते हैं ईमेल के लिए, व्यू मॉडल के अंदर ईमेल, ठीक। ईमेल के नाम से फोल्डर बन गया और इसके अंदर हम क्या करते हैं ऐड, और एक क्लास बनाते हैं गेट ईमेल सेटिंग रख देते हैं, ठीक है, एड कर देते हैं। अब यहाँ पे जो भी हमने वहां पे प्रॉपर्टी लिखी थी हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे स्ट्रिंग, और यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम हो जाएगा सीक्रेट की, ठीक। उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद SMTP सर्वर, उसके बाद इन पोर्ट, के बाद बूल इनेबल SSL, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं डिफॉल्ट नॉट, वार्निंग हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया, दो काम हमने कर लिया। उसके बाद अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम चलेंगे कंट्रोलर पे, और यहाँ पे जो हमारा ऑथेंटिकेशन अकाउंट कंट्रोलर है, अब देखिए मेल हम सेंड कब करेंगे, जब हमारा यूजर क्रिएट हो जाएगा और रिजल्ट सक्सीडेड आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे यूजर को मेल सेंड करेंगे कि आपका सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम मेथड बनाएंगे, और मेथड हम देखिए कंट्रोलर पर भी बना सकते हैं, लेकिन हम कंट्रोलर पर नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि जैसे कि हम अगर यहाँ पे हम मेथड बनाते हैं या फिर वर्बली हम कोड लिखते हैं, तो मान लीजिए जब हम मेल क्रिएट करेंगे तब भी हमें उतना कोड लिखना पड़ेगा, फॉरगेट यूजर नेम के लिए जब हम फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे तब भी हमें उतना कोड लिखना पड़ेगा, फॉरगेट पासवर्ड के लिए जब हम कोड लिखेंगे तब भी हमें उतना ही कोड लिखना पड़ेगा। तो कोड के रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, रिपोजिटरी का यूज कर लेते हैं, यानी रिपोजिटरी में हम एक जगह मेथड बना देंगे और बार बार हम क्या करेंगे उसको कॉल करते रहेंगे, जहां भी हमें नीड होगी केवल हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, पर्पज चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं रिपोजिटरी के नाम, रिपोजिटरी में दो फोल्डर बना लेंगे, एक इंटरफेस के नाम से और दूसरा सर्विस के, इंटरफेस और दूसरा सर्विस, जो भी जितना भी हम इंटरफेस बनाएंगे इंटरफेस वाले फोल्डर में, और जितनी भी सर्विस बनाएंगे हम क्या करेंगे सर्विस वाले फोल्डर में। तो इंटरफेस वाले में हम क्या करते हैं इंटरफेस बना लेते हैं, और इसमें आई ईमेल सेंडर, जिस भी नाम से हम इंटरफेस बनाना चाहते हैं उसके नेम से पहले हमें क्या लगाना पड़ता है आई, और यहां से हम सिलेक्ट कर लेते हैं देखिए पब्लिक इंटरफेस आई ईमेल सेंडर, ठीक। अब जब सर्विस बनाएंगे तो सर्विस के लिए भी हम एक क्लास बना लेते हैं ईमेल सेंडर के नाम से, ठीक ठीक। अब देखिए आई ईमेल सेंडर यानी इंटरफेस में जितने भी हम मेथड बनाएंगे टास्क ईमेल सेंड एसिंक, ठीक है। अब देखिए इसको कितने पैरामीटर हमें देना है, कितने पैरामीटर वाला हमें मेथड बनाना है, तो एक तो हमारा ईमेल हो जाएगा, दूसरा स्ट्रिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, और तीसरा स्ट्रिंग मैसेज हो जाएगा, जो भी हम मैसेज भेजना चाहते हैं यूजर को, जिसमें कि हमारी बॉडी में जो भी मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो तीन पैरामीटराइज हो जाए। अगर हम चाहते हैं कि ये मेथड कुछ रिटर्न करे, यानी कुछ वैल्यू रिटर्न करे, यानी कैसे पता लगेगा कि मेल सेंड हुआ नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं करना चाहते हैं इसे बुलियन वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे टास्क बूल कर देंगे, यानी इसका काम हो गया, आप क्या करेगा बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अब इस क्लास को जो भी क्लास इनहेरिट करेगी, ठीक है, उसका उसके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी हम आपको अगर इनहेरिट करेंगे तो आपके मेथड का इंप्लीमेंटेशन हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं आई ईमेल सेंडर इनहेरिट कराते हैं, तो अब हमारे पास एरर डिस्प्ले होने लगी, यानी ये बता रहा है कि आपने इनहेरिट तो कर लिया लेकिन मेरे अंदर जितने भी मेथड का इंप्लीमेंटेशन हुआ था उसका आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया था इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, लेकिन आपने तो इंप्लीमेंट किया नहीं, तो इसके लिए एरर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इस पे कंट्रोल डॉट करके और इंप्लीमेंट इंटरफेस करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो उसने क्या किया मेथड का इंप्लीमेंटेशन यानी डिक्लेरेशन कर दिया जो भी हमने इंटरफेस में मेथड बनाया था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसको एसिंक टाइप का हम बना लेते हैं, ठीक। अब देख अब यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम ट्राई कैच ब्लॉक लिखते हैं ट्राई कैच, ठीक। और यहाँ पे एक वेरिएबल हम बना लेते हैं बूल स्टेटस इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिटर्न स्टेटस, यहाँ पे हम एक वेरिएबल ना बना के डायरेक्टली भी हम रिटर्न ट्रू फॉल्स करवा सकते। देखिए इतना काम हमारा हो, ठीक। अब जो भी कोड हम लिखेंगे किसमें लिखेंगे ट्राई ब्लॉक में, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए हमारा जो सबसे पहला काम होगा एप सेटिंग डॉट जेसन से हम क्या करेंगे वैल्यू को गेट करेंगे। तो गेट करने के लिए हम कैसे गेट करेंगे, तो हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और यहाँ पे एक आई कॉन्फ़िगरेशन को
इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, आई कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कंट्रोल डॉट करके और क्रिएट एंड असाइन फील्ड दिस, ठीक है। अब देखिए इसके थ्रू हम क्या करेंगे, एफ सेटिंग डॉट जेसन की वैल्यू को गेट करने करते हैं। एफ सेटिंग डॉट जेसन की वैल्यू को गेट करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, तो सबसे इजी वे ये है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, वैल्यू को गेट करते हैं। एफ सेटिंग की वैल्यू को गेट करने के लिए हमने क्या किया था, एक मॉडल बनाया था, व्यू मॉडल, ठीक है, गेट ईमेल सेटिंग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गेट ईमेल सेटिंग और गेट ईमेल सेटिंग न्यू, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी जो हमारी होगी एपीआई यानी सीक्रेट की, ठीक है, सीक्रेट की इक्वल टू, अब देखिए हम वैल्यू गेट कैसे करेंगे, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे हमें पार्स करना पड़ता है जेनरिक, यानी किस टाइप की जो वैल्यू है वो किस टाइप की है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग, और उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे उस की का नाम। तो जो की है वो कौन सी की है, तो हम एप सेटिंग डॉट जेसन में चल के देख लेते हैं। तो की का नाम है हमारे सीक्रेट की, यही हमें पास करना होता है, ठीक। तो सीक्रेट की, सीक्रेट, अब ये जो सीक्रेट की है वो डायरेक्ट हम गेट नहीं कर पाएंगे, ये देखिए हायरार्की में है, ठीक है। सबसे पहले कौन आ रहा है, एप सेटिंग्स, एप सेटिंग्स के बाद आ रहा है सीक्रेट की, ठीक है। मान लीजिए पेरेंट और चाइल्ड, तो इसका पेरेंट कौन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरेंट को फाइंड आउट करेंगे, पेरेंट के बाद चाइल्ड, ठीक। तो इसका ये पेरेंट, इसका चाइल्ड ये, तो ये पेरेंट इसका चाइल्ड ये, फिर इसका चाइल्ड ये, ऐसे हायरार्की है। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पेरेंट के पास जाना पड़ेगा। तो पेरेंट कौन है, एप सेटिंग्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलेंगे और इसको हम ऐसे गेट करेंगे, कंट्रोल वी कॉलन, ठीक है, पहले एप सेटिंग में जाओ फिर उसके बाद सीक्रेट की को ढूंढो, ठीक है। तो हमने क्या किया, सीक्रेट की ढूंढ लिया, उसके बाद किसका नंबर है, अब फ्रॉम, ठीक। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट वैल्यू, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग और मेल एड्रेस हमें चाहिए। तो अब देखिए अब मेल एड्रेस कहाँ है, एप सेटिंग के बाद ईमेल सेटिंग, उसके बाद फ्रॉम, ठीक है, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी कॉलन, ईमेल सेटिंग, नाम हम सही सही देंगे, जो भी हमने नेम डिक्लेयर किया है वही देंगे, नहीं तो क्या होता है, हम वैल्यू को गेट नहीं कर पाएंगे और उस टाइम हमें एरर डिस्प्ले होने लगेगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, फ्रॉम भी हमने गेट कर लिया। उसके बाद एसएमटीपी सर्वर, कंट्रोल डी कर देते हैं और यहाँ पे एसएमटीपी सर्वर, और ये भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से जाके और एसएमटीपी सर्वर को कंट्रोल सी और यहाँ पे हम पेस्ट, ठीक, एसएमटीपी सर्वर कंट्रोल डी। अब ये जो हमारा क्या है, पोर्ट है कॉन्फ़िग, अब देखिए ये पोर्ट किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, ठीक, इंटीजर टाइप का पोर्ट, और जो हमने मॉडल बनाया था इसमें भी हमारा इंटीजर टाइप का ही होगा, हाँ ठीक है, पोर्ट क्या है, इंटीजर टाइप का। अब यहाँ पे हम एप सेटिंग डॉट जेसन से इसको पोर्ट कंट्रोल भी पोर्ट, ठीक, पोर्ट हो गया। उसके बाद कंट्रोल डी इनेबल एसएसएल, इनेबल एसएसएल, और ये किस टाइप का है, बूलियन, ठीक है, और ये इनेबल, इतना काम हमारा, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, यानी जो भी हमने एप सेटिंग डॉट जेसन में की वैल्यू रजिस्टर की है उसको हमने क्या किया, गेट कर लिया, ठीक। अब देखिए उसके बाद जब हमें मेल भेजनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हमारे पास क्लास है मेल मैसेज इक्वल टू न्यू मैसेज, ठीक। अब देखिए इसमें हमें बहुत सारी सेटिंग्स करनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन हमारी जो बेसिक सेटिंग्स है वो हमें तीन चीज की रिक्वायरमेंट है, यानी तीन चीज की नीड पड़ती है मेल को भेजने के लिए, एक तो फ्रॉम, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा बॉडी यानी मैसेज, ठीक है। तो ये देखिए फ्रॉम 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 में हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू मेल एड्रेस, तो यहाँ से हम क्या, गेट ईमेल सेटिंग्स डॉट फ्रॉम, ठीक, हमें फ्रॉम मिल गया। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमें कहाँ से मिलेगा, सब्जेक्ट हमें सब्जेक्ट से मिलेगा जो हम मेथड से लेकर आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट पास कर देंगे। उसके बाद बॉडी, बॉडी में हम क्या करेंगे, मैसेज को पास। ये तीन चीज की रिक्वायरमेंट हमें बेसिक पड़ती है। अब जैसे जैसे हम आगे फंक्शनैलिटी को इनहेंस करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ती है, मेल मैसेज में सेटिंग्स को यानी प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा डिक्लेयर करनी पड़ती है, लेकिन वो आगे नीड पड़ेगी, अभी हमारा केवल तीन ही चीज चाहिए। अब यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा कि हम किसको मेल सेंड करना चाहते हैं, ये तो हमारा था किसके द्वारा जाएगा, अब हमें यहाँ पे देना पड़ेगा किसको सेंड करना है, ठीक है। तो मेल मैसेज डॉट टू डॉट एड, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेल दे देंगे जो भी, जिसे भी हमें सेंड करनी पड़ती है। तो हम मेल मेथड में ऊपर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, हम वहां में आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे पास कर देंगे ईमेल, ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, मेल किसके द्वारा भेजेंगे, तो हम एसएमटीपी क्लाइंट के द्वारा मेल भेजेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसएमटीपी क्लाइंट को सेटअप करेंगे। तो देखिए एसएमटीपी क्लाइंट इक्वल टू न्यू, अब देखिए यहाँ पे हमें देना होगा कि प्रोवाइडर कौन है, देखिए बहुत सारे प्रोवाइडर हो सकते हैं, जीमेल है, स्ट्राइप है, सैंडग्रिड है, और भी बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मेल सेंड करते हैं।
तो सर्विस प्रोवाइडर हमें पता है कि हमने कहाँ रखा है, तो हमने एफ सेटिंग डॉट जेसन में एसएमटीपी सर्वर जो हमारा प्रॉपर्टी हमने डिक्लेयर की है तो हमने वहां रखा है। तो हम क्या करेंगे, गेट ईमेल सेटिंग डॉट एसएमटीपी सर्वर, यहाँ पे पास और भी जो प्रॉपर्टीज है उसको भी हम दे देते हैं। देखिए तो हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, पोर्ट, पोर्ट हमारा क्या है, तो देखिए पोर्ट हमें कहाँ, हमने कहाँ रखा है, गेट ईमेल सेटिंग डॉट पोर्ट, ठीक, पोर्ट हमने दे दी। देखिए क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल में हमें क्या करना होता है, जब हम क्रेडेंशियल पास करेंगे तो यहाँ पे मेल और क्रेडेंशियल दोनों, यानी जो हमारा सीक्रेट की है और मेल आईडी दोनों हमें पास करनी पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हम न्यू और यहाँ पे नेटवर्क क्रेडेंशियल, ठीक है, और यहाँ पे हम पास करेंगे, पहले हम पास करेंगे मेल गेट ईमेल सेटिंग डॉट फ्रॉम, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है, तो पासवर्ड वही है जो हमारा सीक्रेट की है, तो यहाँ पे गेट ईमेल सेटिंग डॉट सीक्रेट की, ठीक है, ये हमारा पासवर्ड है, दो चीज हमने पास कर दी। उसके बाद हम बताएंगे कि जो हम इनेबल एसएसएल इक्वल टू गेट ईमेल सेटिंग डॉट इनेबल, ठीक, ये तीन चीज हम पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब मेल बारी आती है मेल को सेंड करने की, ठीक। तो हमने जो मेथड बनाया वो किस टाइप का मेथड बनाया है, एसिंक्रोनस बनाया है। तो जब भी एसिंक लगाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, अवेट कीवर्ड यूज करना पड़ता है। तो हम अवेट और यहाँ पे एसएमटीपी क्लाइंट डॉट सेंड मेल एसिंक, ठीक है, और सेंड मेल एसिंक में जो भी हमारी मेल मैसेज में हमने सेटिंग कर रखी है वो हम दे देंगे, ठीक है। देखिए जैसे जब ईमेल सेंड हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेटस को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ट्रू कर देंगे, ठीक, स्टेटस ट्रू कर देंगे। और अदरवाइज यदि कैच में कोई एक्सेप्शन आती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेटस को फॉल्स कर देंगे। जब हम मेल सेंड करेंगे तभी हमारा स्टेटस ट्रू होगा, अदरवाइज स्टेटस ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो इतना काम हमने कर लिया मेल को सेंड करने के लिए। अब देखिए एक इंटरफेस और दूसरा सर्विस बनाया उस इंटरफेस का, ठीक है। तो उस सर्विस को हमें क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम डॉट सी एस में रजिस्टर करना पड़ता है। तो हम चलते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस में और उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड ट्रांजिएंट, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रजिस्टर कर देंगे, आई ईमेल सेंडर, आई ईमेल सेंडर, उसके बाद कॉमा देके हमारी जो सर्विस है, ये तो हमारा इंटरफेस था, उसके बाद हम सर्विस को रजिस्टर, ईमेल सेंडर, ठीक है, पैरेंथेसिस उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रोग्राम डॉट सी एस में भी रजिस्टर कर दिया। अब बारी आती है इसको कॉल करने की, यानी जो भी हमने मेथड बनाया उसको बार कॉल करने का समय आता है। कॉल हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आई ईमेल सेंडर, ईमेल सेंडर और कंट्रोल डॉट करके क्रिएट एंड असाइन फील्ड, ठीक। अब ईमेल सेंडर के थ्रू इंटरफेस में जितने भी मेथड बनेंगे उसको हम एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए उसको हम कॉल कहाँ करेंगे, यहाँ पे हम क्या करें, यूजर मैनेजर डॉट क्रिएट एसिंक, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूजर क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद हम चेक करवा रहे हैं इफ रिजल्ट डॉट सक्सीडेड, यानी यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे रिजल्ट सक्सीडेड हो गया, यानी जब यूजर क्रिएट कर लेंगे तो आइडेंटिटी हमें क्या करेगी, रिटर्न करेगी। तो रिजल्ट में हम क्या चेक कर लेते हैं, सक्सीडेड है, यानी यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अवेट ईमेल सेंडर डॉट ईमेल सेंड एसिंक, ठीक है। अब देखिए ये इसको तीन पैरामीटर चाहिए, ठीक है, तो तीन पैरामीटर मेल सब्जेक्ट और मैसेज। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हार्ड कोडेड दे देते हैं, ठीक है। तो मेल है तो जो भी यूजर क्रिएट होगा उसी की हमें मेल सेंड करनी पड़ेगी, मॉडल डॉट ईमेल, ठीक, ईमेल दे देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट देना है, ठीक है, तो सब्जेक्ट हम क्या करते हैं, हार्ड कोडेड दे देते हैं, अकाउंट क्रिएटेड, ठीक है। उसके बाद हम मैसेज, जो भी हमें मैसेज पास करना, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रिंग मैसेज पास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम टेम्पलेट में यूजर को टेम्पलेट कैसे सेंड करें, HTML में कोई भी हम टेम्पलेट, एक अच्छा सा टेम्पलेट डिजाइन करेंगे और उस टेम्पलेट को हम सेंड करेंगे, अभी तो केवल और केवल ये मैसेज जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैसेज पास कर देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन योर अकाउंट बीन सक्सेस, अभी ये हमारा स्ट्रिंग मैसेज है, हमने ये मैसेज पास कर दिया, लेकिन हमने वहां से रिटर्न वैल्यू ट्रू फॉल्स करवाया हमने मेथड को। तो यदि हम देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बूल और यहाँ पे स्टेटस इक्वल टू, ठीक है, तो ये हमें क्या करेगा, स्टेटस हमें बता देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, हम देखेंगे कि क्या हम मेल सेंड कर पा रहे हैं या नहीं। तो हम करते हैं अपने एप्लीकेशन को रन। तो फ्रेंड्स हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है और हम रजिस्टर वाले टैब पे आते हैं और यहाँ पे हम मेल को ही टाइप करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेल टाइप कर देते हैं, sunil9454@yopmail.com, ठीक है, इस मैसेज को हम क्या करेंगे, yopmail.com पे जाके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल सी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पासवर्ड दे देते हैं, ठीक। अब यहाँ रजिस्टर पे हम जैसे क्लिक करेंगे, देखिए हमने ब्रेक पॉइंट लगाया था
और जो भी हमारा मॉडल स्टेट वैलिडेशन जो भी हमारा चेक करना था, हम चेक करते हुए हम कहाँ आए, रिजल्ट डॉट सक्सीडेड। अगर हम रिजल्ट पे चेक करेंगे तो हमारा रिजल्ट सक्सीडेड है, एरर काउंट जीरो है। अब बारी आती है मेल सेंड करने की, तो हम F10 करते हैं। अब इस मेथड पे अगर हम F11 करते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, उस मेथड पे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, जो भी हमने वहां पे पैरामीटर पास किया था, यानी जो भी वैल्यू हमने पास की थी, जो भी आर्गुमेंट हमने पास की, अब हम यहाँ पे लेकर आ मेल सब्जेक्ट और उसके बाद जो भी हमें मैसेज देना है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने बुल स्टेटस, स्टेटस हमारा क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अब देखिए, एप सेटिंग डॉट जेसन से हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को गेट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या हमारी वैल्यू गेट हो रही है या नहीं। तो हम इस पे जाएंगे और देखिए, इनेबल SSL ट्रू फ्रॉम, जो जिसके थ्रू हमारा मेल जाएगा, पोर्ट, उसके बाद सीक्रेट की, उसके बाद SMTP सर्वर, ठीक है। यानी जो भी हमने एप सेटिंग डॉट जेसन में वैल्यू रजिस्टर की थी उसको हमने क्या किया, गेट कर लिया। उसके बाद मेल मैसेज में हमें फ्रॉम सब्जेक्ट और बॉडी, ये हमें किसके द्वारा मेल जाएगी और उसका सब्जेक्ट क्या होगा, उसका मैसेज क्या होगा, सबको हमने रजिस्टर कर दिया। उसके बाद मेल मैसेज डॉट टू, यानी किसको मेल जाएगी, यहाँ पे टू में हमने रजिस्टर कर दिया। उसके बाद SMTP क्लाइंट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है उसको हमने सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अवेट SMTP क्लाइंट डॉट सेंड मेल एसिंक, जो मेथड है हमारा SMTP क्लाइंट का सेंड मेल एसिंक मेथड भेजने का, उसको हमने क्या किया, जो भी हमारा मेल मैसेज है उसको हमने पास कर, मेल मैसेज में हमने जो भी फ्रॉम सब्जेक्ट बॉडी और टू, यानी किसके द्वारा मेल जाएगी, किसको मेल जाएगी, उस मेल का सब्जेक्ट क्या है, उस मेल का मैसेज यानी बॉडी में हमें क्या मैसेज डिस्प्ले करवाना है, ठीक। F10 करते हैं, यदि मेल सक्सेसफुली सेंड हो जाएगी, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, तो देखिए हमारा स्टेटस क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ये क्या करेगा, रिटर्न स्टेटस, स्टेटस क्या है, ट्रू। अब हम यदि यहाँ पे देखेंगे, देख स्टेटस ट्रू, ठीक। अब हमारी मेल जा चुकी है, हम क्या कहते हैं इसको, कंटिन्यू कर देते हैं और ये हमारा लॉगिन हो जाएगा, जो भी हमारा मेल एड्रेस था। अब बात आती है कि हम इसको चेक कैसे करेंगे कि मेल गया या नहीं। तो हमने ये क्या किया है, हमने तो योप मेल को रजिस्टर किया है, तो योप मेल पे हम आसानी से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम चलते हैं योप मेल, ठीक है, और यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे योप मेल, और यहाँ पे चलते हैं और इसको जो भी हमने मेल कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे कर देते हैं एंटर, और यहाँ पे हम करते हैं, देखिए यही मेल हमने भेजा था, कॉन्ग्रेचुलेशन योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब यदि हम दूसरा मेल भेज के देख लेते हैं, ठीक, दूसरा मेल भेजते हैं, इसको हम करते हैं लॉग आउट और यहाँ रजिस्टर। अब हम क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट हम हटा देते हैं, ठीक है, और दूसरा मेल टाइप करते हैं, जैसे yopmail.com, उसके बाद पासवर्ड हम एंटर, हमारे अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, तो हम चेक करते हैं मेल गया है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब मेल हमें चेंज करना है, तो हम yopmail पे करते हैं क्लिक और यहाँ पे हम मेल चेंज करते हैं, और देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, और हमारा मेल किससे आ रहा है, nationalcse17@gmail.com, ठीक। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने क्या किया, मेल सेंड करने की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक टेम्पलेट डिजाइन करें। ये तो हमारा क्या है, स्टेटिक मैसेज है, ये हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हम जो भी पास कर रहे हैं वो हमें दिखाई दे रहा है, यानी ये हमारा क्या है, स्टेटिक है। देखिए, ये जो सब्जेक्ट हमारा था, हमारा सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट अकाउंट क्रिएटेड हमने पास किया था, उसके बाद मैसेज हमारा ये पास हुआ था, और किसको मेल भेजनी है उसका हम मेल हमने दिया था। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मेल का टेम्पलेट डिजाइन करेंगे, हम स्ट्रिंग मैसेज नहीं दिखाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि जो भी फंक्शनैलिटी हमने इम्प्लीमेंट की है उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम्स, कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा।